छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रैली निकालकर राज्यपाल के नाम पर अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी की ओर से रायगढ़ के पूर्व विधायक रोशनलाल अग्रवाल, लेलुंगा पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव सुनीति सत्यानंद राठिया, सारंगढ़ की पूर्व विधायक केराबाई मनहर सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस द्वारा प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद से अव्यवस्था और अराजकता का माहौल बना है। प्रदेश सरकार जनता के साथ छल और धोखाधड़ी का नया रिकॉर्ड बना रही है। किसानों को ऋण माफी का वादा पूरा नहीं किया गया, जिससे बड़ी संख्या में किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं और उनको नई फसल के लिए ऋण मिलना मुश्किल हो गया है। लगातार है उन सारी बातों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन कर बिजली की आंख मिचोली और किसान